हेलो बच्चों वेलकम क्लास ट्वेल्थ सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यूनिट सेल क्या होता है ठीक है दो टाइप के यूनिट सेल होते हैं प्रेमेटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल दूसरा होता है नॉन प्रेमेटिव यूनिट सेल या फिर उसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल तो ये दो तीन टाइप के होते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बॉडी सेंटर सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल तो हम पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड एंड सेंटर्ड जो है वो नॉट प्रैक्टिकल ठीक है तो सिंपल यूनिट सेल क्या होता है हमने देखा कि वो यूनिट सेल जिसमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट हो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं ठीक है एट कॉर्नर्स होते हैं तो एट के एट कॉर्नर्स पे जब प्रेजेंट होते हैं कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स तो उस यूनिट सेल को हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल और नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल कितने होते हैं वन फिर था सेंटर्ड यूनिट सेल सेंटर्ड यूनिट सेल कौन सा होता है जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं और साथ के साथ सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं और वो सेंटर डिपेंड करता है फेस के सेंटर है या बॉडी के सेंटर तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर तो पार्टिकल्स जो छः के छः फेसिस होते हैं उनके सेंटर पे होते हैं और साथ में सारे कॉर्नर्स पे भी होते हैं ठीक है तो नंबर ऑफ एटम्स फेस सेंटर्ड में कितने थे फोर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कंस्टेंट पार्टिकल सारे कॉर्नर्स पे थे और जो पूरा यूनिट सेल की बॉडी सेंट, का सेंटर था एक उस पे था तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर प्रेजेंट कितने थे टू ठीक है तो ये हमने पढ़ लिया था अब हम इसका आगे पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ एटम एंड द एज ऑफ द यूनिट सेल ठीक है तो जो नियरेस्ट नेबर एटम है तीनों यूनिट सेल में सिंपल यूनिट सेल में फेस सेंटर्ड में और बॉडी सेंटर्ड में उनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे उनका रेडियस निकालेंगे ठीक है तो वो देखो सबसे पहले है हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल तो सिंपल यूनिट सेल में क्या होते हैं कि जो भी हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं ठीक है एट के एट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं तो हमने क्या निकालना है हमने निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर एटम तो सिंपल यूनिट सेल में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो यानी ये कॉर्नर ये कॉर्नर या फिर कोई भी कॉर्नर ले लो तो दो जो क्लोजेस्ट नेबर हैं तो इसमें जब पार्टिकल्स हैं ही सिर्फ कॉर्नर पे तो एक ये और फिर इसका नेबर दूसरा ये होगा ठीक है क्योंकि और पार्टिकल्स सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं तो ये और ये या फिर कोई भी कोई सा भी आप दो ले सकते हो सारे इक्वल ही हैं तो दो नियरेस्ट नेबरिंग एटम के बीच का डिस्टेंस ठीक है वो हमें चाहिए तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स डी से उसको रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर कितना होगा ये जो पूरी लाइन है ए बी ये डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर ठीक है और इसको हम मान लेते हैं ए एज लेंथ है इसको एज लेंथ को हम ले लेंगे ले ए तो डिस्टेंस तो बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर नियरेस्ट नेबर जो इसमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे है तो जो दो कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट है उनके बीच का डिस्टेंस तो ए बी हो जाएगा उनके बीच का डिस्टेंस ये पूरा और ए बी डिस्टेंस को हम कितना मान लेते हैं ए तो डिस्टेंस फिर रेडियस कितना हो जाएगा रेडियस इसका डी का हाफ डी बाई टू और डी कितना आया था हमारा ए तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी ए बाई तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में डिस्टेंस तो आएगा ए और रेडियस आएगी ए बाई टू ठीक है और ए जो है ये है एज लेंथ ठीक है ए क्या है एज लेंथ क्यूबिक यूनिट सेल की जो ये एज है इसकी लेंथ को हम बोल रहे हैं ए ठीक है तो ये है हमारा फर्स्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसके अंदर डिस डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर डी हमारा आया ए और रेडियस हमारा आया ए बाई टू फिर है सेकेंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमने पीछे देखा कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है आठ के आठ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और जो छह फेसेस हैं उन पे प्रेजेंट है ठीक है तो आप कोई से भी एक फेस पे ले लेते हैं हम इस फेस वाले इस फेस पे ले लेते हैं ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल ठीक है तो इसमें भी भाई निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर एटम तो इस वाले सेल में टू नियरेस्ट नेबर कौन से हैं उसमें तो सिर्फ जो सिंपल यूनिट सेल में तो सिर्फ ये कॉर्नर्स पे ही थे तो नियरेस्ट नेबर यही हुए और इनके बीच का डिस्टेंस लेकिन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नियरेस्ट नेबर सबसे नियरेस्ट नेबर ये यहाँ पे है ना पार्टिकल्स और कॉर्नर्स पे भी हैं तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है ये ये वाला कांस्टेंट पार्टिकल और इस वाले कांस्टेंट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस निकालना है ठीक है क्योंकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स जो हैं वो कॉर्नर्स पे भी होते हैं और जो फेस होते हैं उनके सेंटर पे भी होते हैं तो आप किसी भी फेस के सेंटर पे ले सकते हैं हम इस पे ले रहे हैं तो ये जो दोनों नियरेस्ट नेबरिंग एटम है इनके बीच का डिस्टेंस हमने निकालना है ठीक है एज लेंथ सारी सा, बराबर हैं ये सब ए ए सेंटीमीटर ए ठीक है सारी ए ए है तो एज लेंथ है तो हमने क्या निकालना है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग एटम डी क्या हो जाएगा ये दोनों के बीच का तो so, इसको हम क्या लिख लेते हैं ए सी का हाफ ए सी जो है उसका हाफ है ना ये इतना डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर क्या है ए सी का हाफ तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर डी क्या है ए सी का हाफ है ठीक है तो अब हम ए सी हमें फाइंड आउट करना है कि ए सी कितना होगा तो हम राइट ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी ये जो ट्राइंगल है ए बी सी ये वाली ट्राइंगल हम ले लेते हैं फिर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ठीक है तो ये जो ए सी है ये क्या है हाईपोर्टन्यूज ये बेस और ये जो है ये क्या है परपेंडिकुलर ठीक है तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर तो ए सी का स्क्वायर ए बी ए बी देखो ये ये मैंने कहा कि सारी एज लेंथ हम ए मान रहे हैं इसमें भी हमने ये एज लेंथ ए मानी थी तो ये जितनी भी ए ये, ये इसकी जो एजेस है ना ये सारी ए ए मानेंगे ठीक है ये एजिस जो जो इसकी बारह एजिस है बारह की बारह एजिस को ए मानना है हमने तो ए बी कितना है ए और ए बी का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर बी सी वो भी इसकी एक एज है तो उसको भी कितना मान रहे हैं ए तो बी सी का भी ए तो ए का स्क्वायर एक ए स्क्वायर एक ए स्क्वायर दो ए स्क्वायर हो गया इनका सम करेंगे फिर ए सी स्क्वायर टू ए स्क्वायर हो गया फिर इनका ए सी का रूट हटाएंगे तो रूट टू ए आ जाएगा ओके फिर d डी हमें डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर एटम्स में डी निकालना था डी क्या है इस ए सी का हाफ़ तो ए सी अब हमने निकाल लिया है कितना आ गया है ए सी की जगह पुट कर देंगे रूट टू ए फिर इस रूट टू ए और नीचे टू है तो इसको दो बार रूट टू रूट टू लिख सकते हैं ना एक रूट टू कट जाएगा तो ए बाई रूट टू बच जाएगा ठीक है तो d तो हमारा क्या आ गया a बाई रूट टू और रेडियस क्या हो जाएगा d का हाफ तो a बाई टू रूट टू ठीक है तो इसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में डी तो कितना आया ए बाई रूट टू और आर कितना आया ए बाई टू रूट टू सिंपल यूनिट सेल में डी कितना आया था ए और आर कितना ए बाई टू फेस सेंटर्ड में सारे कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं और फेसेस के सेंटर पे होते हैं ओके तो डिस्टेंस निकालना है जो नियरेस्ट नेबर एटम तो सबसे नियरेस्ट ये वाला होगा ठीक है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी ए सी का हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू नीयर्स नेवर डी इज इक्वल टू ए सी का हाफ फिर ए सी हम कैलकुलेट करेंगे ट्राइंगल ए बी सी से हाइप थ्योरम लगाएंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए बी और बी सी लेंथ ए ए सेंटीमीटर है तो वो पुट कर देंगे ए स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा टू ए स्क्वायर ए सी का स्क्वायर का फिर रूट हटाएंगे तो ए सी कितना आ जाएगा रूट टू ए फिर डी आ जाएगा ए सी का हाफ तो रूट टू ए बाई टू तो ए कितना जाएगा रूट डी कितना जाएगा ए बाई रूट टू और आर कितना आ जाएगा ए बाई टू रूट टू ठीक है तो ये किसके लिए आ गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल फिर इसके बाद है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में देखो बॉडी सेंटर्ड में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कहाँ होते हैं सारे कॉर्नर्स पे और पूरा जो बॉडी होती है उसके सेंटर में यानी रूम है पूरा तो रूम के आठ के आठ कॉर्नर्स पे और पूरे रूम के बीच में तो वो हो जाएगा ठीक है तो इसमें डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर क्या हो जाएगा ये जो ए डी है ये और ये वाले जो दो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस होगा डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर ठीक है तो हम डी को क्या कह सकते हैं ए डी का हाफ डी इज इक्वल टू ए डी बाई टू ठीक है तो अब हमें ए डी निकालना है तो उसके लिए पहले क्या करेंगे अब ए डी अगर हम निकालना है ए डी सी इससे निकाल सकते हैं हम ये राइट ट्राइंगल बन रही है ना ए डी ए सी डी वाली लेकिन उसके लिए ए सी चाहिए तो ए सी जैसे हमने फर्स्ट इसमें निकाला है फेस सेंटर्ड में वैसे ही निकाल लेंगे और फिर ए सी आने के बाद ए डी निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के ठीक है तो पहले तो हम ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी राइट ट्राइंगल ए बी सी के अंदर से ए सी निकाल लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में था सेम ए सी स्क्वायर हाईपोर्ड न्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर ए बी और बी सी ये ए बी और बी सी क्या है ए ए तो वो इक्वेट कर देंगे तो ए सी कितना आ जाएगा रूट टू ए फिर हम ट्राइंगल लेंगे ए डी सी ठीक है इसमें ए सी क्या है ये ए डी हाइपोड्यूज ए सी है परपेंडिकुलर और सी डी है बेस ठीक है तो ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी डी स्क्वेयर और ए सी स्क्वेयर ये सी डी स्क्वेयर ठीक है ए पर पेंडिकुलर का स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर ठीक है तो ए डी स्क्र ए सी हमने निकाला है रूट टू ए का स्क्वेयर सी डी ये वाली तो क्या है एक एज है और एज लेंथ कितनी मानते हैं हम ए तो सी डी की जगह ए स्क्वेयर तो रूट टू ए का स्क्वेयर करेंगे तो टू और ए का स्क्वेयर रूट टू का स्क्र तो टू हो जाएगा और ए का स्क्वेयर ए स्क्वेयर और ये ए स्क्वेयर ठीक है ए टू ए स्क्वेयर और ये वन ए स्क्र टू और वन थ्री ए स्क्यर ठीक है तो ए डी स्क्वायेयर कितना आ जाएगा थ्री ए स्क्र और फिर ए डी का रूट हटाएंगे तो क्या आएगा रूट थ्री ए ठीक है तो क्या आ गया ये ए डी आ गया रूट थ्री ए और डी हमें चाहिए था ए डी बाई टू तो ए डी की वैल्यू आ गई है वो हम यहाँ पे इक्वेट कर देंगे रूट थ्री ए बाई टू तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर तो आ गया रूट थ्री बाई टू ए और रेडियस क्या हो जाएगा इस डी का हाफ डी बाई टू तो रूट थ्री ए बाई फोर हो जाएगा नीचे एक टू है ना और एक टू ये टू टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे फोर हो जाएगा रूट थ्री बाय फोर ए तो ये किसका आ गया रेडियस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का ठीक है तो ये तीनों है हमारे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल तो इन तीनों के जो ये हमारे रिजल्ट आए हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का डिस्टेंस ए और रेडियस ए बाई टू फेस सेंटर का ए बाई रूट टू और रेडियस ए बाई टू रूट टू बॉडी सेंटर के लिए रूट थ्री बाई टू ए और रेडियस रूट थ्री बाई फोर ए तो ये जो मेन रिजल्ट आए हैं ये भी हमें ध्यान रखने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो आएंगे उसमें डायरेक्ट इनको यूज करना है ठीक है जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की रेडियस पूछेंगे तो हम फॉर्मूला लगा देंगे आर इज इक्वल टू ए बाई टू और ए जो है वो एज लेंथ है एज लेंथ हमें गिवन मिलेगी या फिर रेडियस गिवन मिलेगा एज लेंथ पूछ लेगा तो ये जो इसके रिजल्ट्स आए हैं ये भी हमें डायरेक्ट लर्न होने चाहिए ठीक है तो ये रिलेशनशिप हो गया बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड द रेडियस ऑफ एटम एंड एज ऑफ यूनिट सेल इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में